दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोनों की लंबाई चौड़ाई बता देता हूँ कि यार कितनी हमें मिल जाती है। वैसे आपको वीडियो में देख के पता लग रहा होगा कि यार T70X एंड CMX वाले का जो साइज़ है वो कितना डिफरेंस है साइज़ में। चलिए फिर भी हम आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट करके दिखा देते हैं। दिखा दीजिए सर, पहले किसका दिखाएं इसका? हाँ, पहले CMX का दिखा दीजिए। इसके अगर हम चौड़ाई की बात करें, तो ये आता है आपका 1 फीट के करीब। हाँ, 12 इंचेस ना, मतलब हाँ 12 इंचेस की चौड़ाई है इसकी। ठीक है, अब इसकी लंबाई की, हाँ लंबाई देख लीजिए एक बार। लंबाई इसकी आपको यहाँ मिल जाएगी 36 इंचेस ना, 3 फीट के करीब। हाँ, 36 इंचेस ठीक हो गया सर। देखें आप T70X की देख लेते हैं। T70X की देखें तो आपको यहाँ 7.5 7.5 इंचेस ठीक हो गया। और ऐसे देखें इसको तो ये 1 फिट है। हाँ हाँ, ये 1 फिट है ना पूरा, ऐसी लंबाई ऊपर की, ऊपर की लंबाई। अब नीचे की देखें, ये यहाँ करीब आ रहा है कितना, 34 इंचेस, 2 इंचेस कम है वो। हाँ, यहाँ तो आ रहा था वो 36 इंचेस में था, 2 फुट 10 इंच। हाँ, 2 फुट 10 इंच। तो गाइज मेजरमेंट करके हमने आपको दिखा दिया है। फाइनली यार आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं CMX W15000 MIC यानी कि 6 वूफर वाले टावर स्पीकर का बैटल ग्राउंड, वो भी FND T70X के साथ। दोस्तों यार मतलब अभी तक का मोस्ट डिमांडिंग बैटल ग्राउंड है ये। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आती थी कि यार इन दोनों के बीच में बैटल ग्राउंड करिए एंड बताइए कि यार कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा। सो फाइनली यार आज हम ये बैटल ग्राउंड लेकर आ गए हैं। दोस्तों यार इन दोनों मॉडल्स को एक फ्रेम में लाने में यानी कि एक वीडियो में लाने के लिए हमने बहुत मेहनत करी है। हमने पूरा बिहाइंड सीन आपको दे रखा है सेकंड चैनल पर। अगर आपने बिहाइंड सीन देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं बिहाइंड सीन वाली वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, जाकर आप देख लीजिएगा। साथ में दोस्तों यार अभी CMX W15000 MIC का करंट प्राइस चल रहा है 13,500 रुपीज एंड FND T70X का करंट प्राइस चल रहा है 15,000 रुपीज। दोस्तों अगर आपको CMX W15000 MIC को परचेस करना है तो डेफिनेटली आप इस मॉडल को गुप्ता रेडियोज की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। दोस्तों वहां पर आपको ये मॉडल का लेटेस्ट प्राइस भी पता लग जाएगा, साथ में आप वेबसाइट से परचेज भी कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, साथ में दोस्तों मैं गुप्ता रेडियोज का फोन नंबर एंड एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आपको परचेस करना होगा तो डेफिनेटली आप परचेस कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों यार आप सबको पता है हम साउंड टेस्ट वीडियो हो या बैटल ग्राउंड वीडियो, हम डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात नहीं करते। अगर दोस्तों आपको इन दोनों मॉडल्स के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिटेल पे जानना होगा तो जरूर से आप अनबॉक्सिंग वीडियोस को देख लीजिएगा। दोस्तों यार आज की वीडियो में हम साइड बाय साइड दोनों मॉडल्स का साउंड कंपैरिजन करने वाले हैं। मतलब आज की जो वीडियो रहेगी वो साउंड के रिलेटेड ही रहेगी एंड आपको पता लग जाएगा कि यार कौन से मॉडल पर हमें ज्यादा भयंकर साउंड आउटपुट मिलता है, आपको कौन से वाले टावर स्पीकर को परचेस करना चाहिए 15,000 की रेंज में, ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। एंड प्लीज अपने हेडफोन्स का यूज करेगा तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। दोस्तों जल्दी हम इन दोनों मॉडल्स का हिंदी पे भी साउंड टेस्ट डालने वाले इंस्टाग्राम पर। सो अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो सोच क्या रहे हैं यार, जल्दी से हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए, जल्दी आपको वहां पर इन दोनों मॉडल्स का हिंदी पे भी साउंड टेस्ट मिल जाएगा। एंड दोस्तों एक चीज आपसे और कहना चाहता हूं यार, हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, आप यार प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों यार ये चीज मैं वैसे ज्यादा बोलता नहीं हूं वीडियो के स्टार्टिंग में, बट यार क्या है कि सब्सक्राइबर हमारे उतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज अपना सपोर्ट बना के रखिएगा एंड चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सर वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपने बैटल ग्राउंड को स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको दोनों टावर स्पीकर का साउंड, बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक दोस्तों यार अब आपको क्लियर पता लग गया होगा कि 15,000 की रेंज में कौन सा टावर स्पीकर ज़्यादा पावरफुल है। सो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट करके बताइएगा। बाकी दोस्तों यार एक बार मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, अगर आपको डिटेल पे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानना होगा तो ज़रूर से आप अनबॉक्सिंग वीडियोस को देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों मॉडल्स की अनबॉक्सिंग वीडियोस के लिंक दे दूंगा, तभी आपको डिटेल पे मतलब स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में पता लग पाएगा। चलिए दोस्तों अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं दोनों मॉडल्स के टोटल पावर आउटपुट आपको बता देता हूँ। सीमैक्स वाले का दोस्तों टोटल पावर आउटपुट है 300 वॉट्स का एंड एफएनडी T70X का टोटल पावर आउटपुट है 160 वॉट्स RMS का। साथ में दोस्तों यार सीमैक्स वाले पर दोस्तों हमें 6 सबवूफर मिल जाते हैं 8-8 इंच के एंड T70X पर केवल हमें दोस्तों 2 सबवूफर मिलते हैं 8-8 इंच के। मतलब दोस्तों यार मेरे हिसाब से आपको ऐसे ही पता लग रहा होगा कि यार इन दोनों मॉडल्स में से एक्चुअल पे कौन सा टावर स्पीकर ज़्यादा भयंकर हमें मिलेगा साउंड क्वालिटी वाइज। दोस्तों अगर आपने वीडियो को हेडफोन्स के साथ देखा है तो मेरे हिसाब से आपको रिजल्ट पता लग गया होगा कि यार कौन से मॉडल पर ज़्यादा भयंकर साउंड आउटपुट हमें मिलता है। अगर आपने वीडियो को हेडफोन्स के साथ नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ एक बार आप वीडियो को हेडफोन्स के साथ देखिएगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि यार कितना डिफरेंस हमें दोनों मॉडल्स की साउंड क्वालिटी पर मिल जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ वोकल्स क्वालिटी की, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी की, तो यार यहाँ पर मुझे दोनों मॉडल्स ही काफ़ी बढ़िया लगे हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यार सीमैक्स ज़्यादा बेटर है या एफएनडी T70X ज़्यादा बेटर है, ऐसा नहीं है।
दोनों मॉडल्स पर हमें क्लियरिटी वाइज कोई भी कमी नहीं मिलती है। बट दोस्तों, अगर आपको लाउडनेस एंड बेस क्वालिटी पावरफुल चाहिए, मतलब अगर आप पार्टी के शौकीन हैं, आपको आउटडोर में बजाना है, तो यार यहाँ पर आपको सीमैक्स को परचेस कर लेना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं है। सीमैक्स पर दोस्तों यार जो लाउडनेस है वो बहुत भयंकर हमें मिल जाती है, साथ में दोस्तों यार जो इसकी बेस क्वालिटी है ना वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब यार अगर आप इसे बजाएंगे ना अपने रूम पे, तो मेरे हिसाब से आपका फ्लोर, आपका जितना सामान है ना रूम का, वो सब हिला देगा ये। तो बहुत भयंकर बेस क्वालिटी एंड लाउडनेस क्वालिटी हमें मिल जाती है। T70X पर दोस्तों अच्छी है, बट अगर हम इसके सामने कंपेयर करके देखें तो यार कोई भी मुकाबला नहीं है। सही में दोस्तों यार टावर स्पीकर हो तो सीमैक्स की तरह ही हो, 15,000 में दोस्तों यार ये मॉडल बेस्ट ऑप्शन है अभी मार्केट में। आप इस मॉडल को ही परचेस करिएगा, क्योंकि दोस्तों अब तो हमने दोनों मॉडल्स को साइड बाय साइड कंपेयर करके देख भी लिया है। उस हिसाब से दोस्तों मैं बिल्कुल आपसे कह सकता हूँ कि यार आप सीमैक्स वाले को आँख बंद करके परचेस कर सकते हैं, आपको साउंड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल मिल जाएगी। सो दोस्तों यार यही था मेरा लाइव एक्सपीरियंस, जो कि मैंने टू बी ऑनेस्ट आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो जरूर से मेरे से पूछ लीजिएगा। सर आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।